हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं शिशुपाल पर्वत, जहां एक बहुत ही शानदार झरना है। और आज हम लोग जानते हैं कि ये कौन से जिला में पड़ता है। बहुत लोग को थोड़ा सा कौन से जिला में पड़ता है अंकल? महासमुंद जिला में पड़ता है। और महासमुंद जिला मुख्यालय से कितने दूरी में होगा? यहाँ से महासमुंद कितने दूरी में होगा? 150 किलोमीटर की दूरी में है और एक बहुत ही शानदार लोकेशन में है। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, शिशुपाल पर्वत कैसे पड़ा? थोड़ा सा वो क्या है कि पहले रानी राजा थे पहले, तो वही मतलब राजा को घोड़ मारू लोग मार दिए। अच्छा, मार दिए तो तीन रानी क्या किया, हाँ, उसको टुप्पर बांध के आगे में, अच्छा, उसको झपा हो गई तो उला कथ है घोड़ाधार झरना का नाम घोड़ा, हाँ, घोड़ाधार ये। हाँ, हाँ। और उसका रानी लोग बोले कि हमारा तो राजा मर गया। अच्छा, हम जी के क्या करेंगे। वो लोग भी कूद गए ऐसे, वो लोग भी पहाड़ से कूद गए। देख सकते हो उधर को, दिखाई दीजिए, देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है जो है। और इसका जो है नेट में जानकारी मिलता है कि पहले यहाँ एक शिशुपाल नाम के राजा थे, जो कि अंग्रेजों के बीच में, पहले अंग्रेज शासन चलते थे हमारे भारत में, तो अंग्रेजों को बीच पूरा सब लोग घेर लिए थे अंग्रेज जो है। और अंग्रेज ने पूरा घेर के राजा को जो है बंदी बनाने की कोशिश की, तो राजा अपने घोड़ा के साथ जो शिशुपाल पर्वत थे उससे कूद गए, रानी कूद गए और जो घोड़ा थे उसके जो आंख पे पट्टी बांध के सीधा कूद गए, इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ा शिशुपाल। और जो झरना गिरता है यहाँ से उसका नाम पड़ा घोड़ाधार झरना। वही है क्या अंकल? वही है क्या? हाँ, वही है, वही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। हाँ, ये है, देख सकते हो। और ये है पार्किंग एरिया, ये हाँ, अंकल जो है पार्किंग कर रहे हैं, देख सकते हो। और ये इधर को दिखा दीजिए जी, पूरे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। ऊपर में जाके देखते हैं गाइस किस तरीके से है माहौल। तो बाबा, आप मन कौन गाँव रथुगा? हाँ, मैं दर्शन अमली पदर। अमली पदर देख सकते हो, ये जंगल डहर के गांव के नाम है। अमली पदर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से ही है। उड़ीसा के साइड बाबा, यहाँ उड़ीसा ज्यादा दूरियां नहीं हुई यहाँ से? 20-30 किलोमीटर मतलब हम बॉर्डर से ही लगे हुए हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के। और यहाँ झरना कैसे है बाबा, कुछ बोलना चाहते हो झरना के बारे में? झरना के बारे में, ये यहाँ एक राजा रही से जो राजा है शिशुपाल नाम के राजा, वो राजा सब उसके ऊपर में उसका तालाब है। अच्छा, सब तीन मकान का तीन, मतलब पूरा किलर ही से ऐसे बोले, मतलब महारी से राजा के। आओ बाबा कुछ आओ, उसके लिए का नाम उसको रानी लो, उसको राजा को मार दिए। अच्छा, राजा को रानी लोग मार दिए? नहीं, दूसरा लोग मार दिए रानी को। तो रानी लोग राजा को हमारा बेइज्जती क्यों होगा बोलकर, अच्छा, घोड़े के आंख में टैपर बांध दिए। अच्छा, और छलांग लगा दिए पूरा पहाड़ी से, उतना बड़ा पहाड़ी दिख रहा है उससे पूरा छलांग लगा दिए घोड़े सुधर। इसका नाम इसलिए घोड़ाधार जलप्रपात है, जो झरना गिरता है उसका नाम घोड़ाधार है, घोड़ाधार। और जो राजा का नाम है शिशुपाल पर्वत का। और आप लोग गूगल में लिखोगे शिशुपाल पर्वत तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया। तो दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं अपने दोस्त लोग के साथ। अपने दोस्त लोग हैं, हम लोग 12वीं तक साथ में पढ़े हैं, अभी करीबन 5 से 6 साल हो गया एक दूसरे से मिले हुए नहीं हुए हैं, अभी मिल रहे हैं। यहाँ घूमने के लिए आए हैं वो पर्वत पे, और जाके देखते हैं कौन कौन है, कहाँ कहाँ से है। जी, ये है मोहन, देख सकते हो जी सर। और ये सब लोग लड़कियां भी आई हुई है अपने क्लासमेट। हाय कीजिए, हाय गाइस, कोमलिका सबका नाम है। और अभी क्या क्या कर रहे हो बता दीजिए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा। सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यूट्यूब में आया हुआ हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइस हमको भी। क्या बोले अंकल? शिशुपाल पर्वत में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, शिशुपाल पर्वत में आज पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं अंकल जो है। और आप लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग भी, हमारी फैमिली भी बढ़ सके आगे। और ये लोग कहाँ कहाँ से आओ भाई? ये है सत्यनारायण, अभी रायपुर में रहता है। ये नीरज जो कि बोरझरा में रहता है। आप भाई? ये जुंदई में रहता है अमन। और ये हमारे मालिक है, ड्राइवर, गाड़ी मालिक, देख सकते हो। और सब लोग जाने वाले हैं आगे, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाके देखते हैं किस तरीके से है माहौल जो है। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास आप लोग शिशुपाल पर्वत जाने के लिए आओगे तो यहाँ पास क्या है भैया? भैया नमस्कार, भैया कितना रुपए है टिकट जो है?
20 रुपए एक आदमी का 20 रुपए लिया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पास। और भैया कितना दूर है चढ़ाई जो है? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर देख सकते हो। और ये ठीक है भैया, और आगे हम लोग जाने वाले हैं। और देख सकते हो किस तरीके से है माहौल जो है, ये जंगलों के रास्तों से होके ऊपर पहाड़ तक जाया जाता है। हम लोग भैया कुछ बोलना चाहोगे भैया? मोहन भैया हमारा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा पा रहा है, हम क्या कर सकते हैं। पर भैया युवराज भैया कुछ बोलना चाहोगे दो शब्द हमारे ऑडियंस को? कैसा लग रहा है भैया यहाँ के? एक नंबर मौसम है भैया। अब जाके ही बताएंगे क्या लग रहा है क्या नहीं। ये जगह बेहद ही खतरनाक है। देख सकते हो पूरा पहाड़ की चढ़ाई है किस तरीके से। और सब लोग अभी भूखे प्यासे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। कैसे जी, क्या क्या खाए हो जी? पूरी और सूजी खाए हैं। मैं तो कुछ नहीं खाया हूँ अभी तक। आप लोग आओगे तो कुछ खा के आना भैया। देख कदम संभाल के रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ है, चट्टान है। देख सकते हो सब थक जा रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? सुदामा भैया मजा आ रहा है ट्रैकिंग में जंगल में, कैसा लग रहा है? एक नंबर। और आप कुछ बोलना चाहोगे दो शब्द? कोई बोलने की पा रही है। कॉम्प्लेंट पीना जरूरी है, देख सकते हो गाइस। और ये सोनम कुछ बोलना चाहोगे दो शब्द? नहीं कुछ नहीं। कैसा लग रहा है? एकदम बकवास। अरे भाई ऊपर में जाके देखना, वापसी में एक बार एक रिव्यू फिर लेंगे। और कमलिका कुछ दो शब्द? कुछ नहीं, बोलने लायक नहीं बची है ऐसा है। और भाई अभिषेक जय राम सब बढ़िया है, एक नंबर। तो यहाँ पास चढ़ाई करते हुए आधे बीच में एक मंदिर है भगवान जी का, देख सकते हो। यहाँ पास एक बार जय करके जरूर जाइएगा। और यहाँ से 300 मीटर और है चढ़ाई जो है, देख सकते हो। हाँ, जो कि बजरंगबली का मंदिर है हनुमान जी का, और उधर पूरा और बहुत दूर है। देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा थकासी लग रहा है। अरे भाई तो भाई मना घूम के आवा थे, क्या बोलना चाहते हो भैया? कैसे ऊपर के माहौल बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। और कितना दूर है भैया चढ़ाई जो है? आधा बस, आधा बस बात है। अब हमारे जो साथी मन है पूरा थक गए, सावधानी से चले, देख सकते हो लिखा हुआ है। और ऊपर में जाके नहाने में सब मजा आ जाएगा, कैसे भाई? हाँ भाई सही बात है ना। बट आप लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, सब साथीगण आ रहे हैं पीछे में है, और कुछ लोग आगे हैं। और यहाँ से नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखते हैं यहाँ पास बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है गाइस, इसलिए सब। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? थकावट अभी नहाओगे फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे ऊपर से व्यू को देखोगे ना सब बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और यहाँ से और आगे जाके दिखाते हैं। और यहाँ पास डोर की सुविधा दी गई है, इसको पकड़ के आओ ना चलने के लिए। देख सकते हो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, और ऊपर का नजारा व्यू इस तरीके से है, देख सकते हो पूरा घिरा हुआ है पहाड़ों से, और नीचे पूरा देख सकते हो। बहुत ज्यादा थकान हो रहा है। हाय गाइस कैसा लग रहा है भैया? कहाँ जी कैसा लग रहा है आप लोग को? मजा आ गया पहाड़ की चढ़ाई करने में, कैसा लगा भाई? गजब। आप भाई दो शब्द यार
चढ़ाई थोड़ा कठिन था कठिन था लेकिन ऊपर चढ़कर बहुत अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और बहुत ज्यादा गर्मी भी है भाई, गर्मी और उमस से हालत खराब हो गया। झरने में बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो। हमारे YouTube चैनल का नाम है चंदन व्लॉग, चंदन चंदन भैया, हाँ भैया, ईस्ट और वेस्ट, चंदन भैया इज बेस्ट। लाइक करो, दो शब्द बोलना है, दो शब्द भाई, कैसा लगा भाई आपको यार, दो शब्द, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब लोग छत्तीसगढ़ से ही हो क्या? छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया, पर यहाँ पास सबका हालत खराब हो गया है पहाड़ की चढ़ाई करने में। हाँ भाई, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट है, उसके बारे में आप जरूर मेंशन करो, बता दीजिए भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ। देखो ना, आप खुद देखोगे कि हाँ भाई, बहुत ज्यादा चढ़ने तक पूरा डिस्पोजल प्लास्टिक, तो या तो गांव वालों को बोलो कि वो प्लास्टिक बैन करे नीचे ऊपर लाने। अच्छा अच्छा, आप देखिए ना आगे, उसको जरूर से मेंशन हाईलाइट करिए। ठीक है भाई। भाई यहाँ पानी वगैरह पीने के लिए क्या है? अब वो लोग ठीक है, वो लेंगे ही थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, इसलिए कितने रुपए लेते हैं भाई? पानी पाउच 5 रुपए है, और वो 5 रुपए ठीक है, बनता है टाइप का कि उन लोग भी हाँ, बहुत दूर से आते हैं, तो ठीक है भाई, इट इज जस्टिफाइड। ठीक है भाई, आप लोग भाई गाइस, आप लोग दो शब्द ऑडियंस को कुछ अच्छा लगा मैसेज देना चाहोगे? दो शब्द, वन डे ट्रिप, अच्छा लगा। वन डे ट्रिप, हम लोग भी वन डे ट्रिप में ही आए हैं गाइस। आप कहाँ से? हम लोग धमतरी जिले से हैं भाई। अरे भाई, बालो, हम साहू हैं भाई। अरे डबल डबल डबल, गंगवेर गंगवेर। अरे भाई यार, भाई भाई, भाई हो गए भाई, देख सकते हो, सोनबेर सब साहू परिवार है, हाँ मान सकते हो, सब नहीं है बट 90% साहू। अरे चंद्राकर भाई, अरे यार, हमारे कुरुद में चंद्राकर का बहुत माहौल है भाई। चलो फिर चंदन भैया से मिलके बात। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट सपोर्ट साहू भाई, गंगवेर जी। ठीक है भाई, ठीक ठीक। और देख सकते हो गाइस यहाँ से किस तरीके से नजारा जो है, ये बहुत ऊंचाई से जो है झरना गिर रहा है। अभी तो पानी कम है, या फिर इधर पूरा पानी पानी भरा रहता है, देख सकते हो। और यहाँ थोड़ा रिस्क भी है गाइस, ये सावधानी बरतने का बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो। कैसा भाई, क्या कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है ना भाई? हाँ। मजा आया। और जाते हैं आगे की ओर, और इधर फिसलन भी है गाइस, देख के आइएगा आप लोग, आइएगा तो। बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है हम लोग को, और सब नहा भी रहे हैं। ये देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ है, सावधानी बरतिएगा जरूर। और इधर पूरा पानी आता रहता है गाइस, अभी बारिश अधिक नहीं हुई है, हालांकि बरसात दिन है, और यहाँ से पूरा झरना जो है, जलप्रपात जो है, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। और हमारे साथीगण के पास जाते हैं, आगे की ओर है, देख सकते हो भाई। कुछ दो शब्द, कैसा लग रहा है भाई, बताइएगा। ये भाई लोग बताएंगे कैसा लग रहा है भाई आके, यार मजा आ रहा है ना हम लोगों को? हाँ, अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और चढ़ाई किस तरीके से थी? अरे चढ़ाई तो मत पूछो यार, बहुत थक गया, उसी में एंजॉय है। एक तो बहुत दूर से आए, चंद्रपुर साइड से हम लोग। अच्छा, तो मतलब एकदम पूरा थकान है यात्रा का भी, इतना अच्छा लग रहा है कि मत पूछो यार, हम लोग फिर आएंगे। अच्छा, आप लोग भी आइएगा। हाँ बिल्कुल सर। और देख सकते हो किस तरीके से है नजारा जो है, यहाँ से पूरा कितना ज्यादा खाई है भैया। ये कितना फीट होगा करीबन? ये 900 फीट करीबन, 900 फीट। मतलब आप लोग सोच सकते हो गाइस कितना फीट है। थक गए हैं, कैसा लग रहा है भाई लोग? एक नंबर भाई, मैं दिन भर तुम मतलब पूछा थी यार कैसे ला रहे, कुछ तो बोलो भाई। अभिषेक भाई, आप मन है कुछ दो शब्द यहाँ पहुँचे के बाद? दो शब्द, टपरी। हाय भाई, क्या क्या है भाई, क्या क्या रखे हो? सब चीज है। और यहाँ रेट किस तरीके से है भाई, सबको डाउट रहता है, एक बार बता दीजिए। मैगी 50 रुपए। क्या? मैगी 50 रुपए। मैगी 50 रुपए, और पानी बोतल जो है 40 रुपए। 40 रुपए, देख सकते हो।
क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचा में है गाइस, 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए भैया लोग पैसा ज्यादा लेते हैं। कैसे भैया, सही बात है ना भैया? हाँ हाँ। ए भाई कहाँ से हो भाई आप यार? आनगांव से। आनगांव? अरे आनगांव कम होने रहे। और ये भाई लोग झंडा लेके आए हुए हैं, भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या बोलना चाहते हो भाई, दो शब्द? कैसा लग रहा है यार? इंजॉय लग रहा है। आप लोग पहाड़ में झंडा लहराने आए हो? हम लोग कोमाखान से आए हैं भाई। कहाँ से? कोमाखान से। हम तो पहली बार सुन रहे हैं भैया। महासमुंद। आप इसी जिले के हो मतलब? हाँ हाँ, इसी। हम तो धमतरी जिले से आए हैं भाई, बहुत दूर से हैं आपसे। बहुत दूर से भाई, हम लोग कम से कम 150 किलोमीटर। हम लोग का 300 है भाई यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, देखना चंदन व्लॉग यूट्यूब में। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। पहले तो चढ़ाई करने में बहुत ज्यादा कहाँ आ गए हैं ऐसे करके बोल रहे थे, और ये सबसे ज्यादा वो थी। कैसा लग रहा है आपको अभी? दिमाग खराब लग रहा है। यही है जो आप वीडियो में पहले देखे हो। अरे अभी अच्छा लगा तो बता दो। अभी अच्छा लग रहा है। और आप? चल भैया, आपका क्या राय है बता दीजिए। एकदम मस्त है जगह, एकदम मस्त, एकदम मस्त मस्त। पहले तो आप एकदम बकवास है, कहाँ गए ऐसे करके बोल रहे थे, इसलिए बिना जाने सुने किसी जगह के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पहले सतह तक जाना चाहिए। कैसे भाई, सही बात है ना भाई? हाँ भाई, मैं तो हमेशा पॉजिटिव था ना भाई। हाँ बोल भाई। नेगेटिव था भाई। हाँ। देखो रे भाई हो, देखो रे भाई हो, मैं नहा धो के मस्त हूँ। बोलो प्रसाद जन करो, प्रसाद जन करो, बजरंग बली। हाँ भाई, और रही हाँ भाई, और रही। देख सकते हो इतना दूर चढ़ाई करने के बाद हम लोग आके एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग नहा भी नहीं रहे हैं। कैसा लग रहा है? नहीं बहुत, वो कल फेंक बो तो लग। और यहाँ पास बहुत ज्यादा फिसलन है, देख सकते हो गाइस यहाँ से किस तरीके से नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। अभी तो पानी जो है कम चल रहा है, और पानी बहुत ज्यादा चलता है तो और बहुत ही मनमोहक दृश्य रहता है। और इधर देख सकते हो कितना ज्यादा खाई है, इधर पूरा जितना दूर तक देखो पूरा घने जंगलों के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। गाइस हम लोग शिशुपाल पर्वत की चढ़ाई करके आ रहे हैं, और हमारे साथीगण भी आ रहे हैं, उन लोग से पूछने कैसा लगा। कैसा लगा जी सबको? मजा आया भाई सुदामा? कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया जिंदगी। और पीछे में और आ रहे हैं, बहुत मजा आया ना। बाप पुरखम पहली बार, बाप पुरखम पहली बार, ये छत्तीसगढ़ी कहावत है। और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। हाँ चला। तो हमारे बीच में है चंचल पटेल, वो कुछ बोलना चाहती है। क्या बोलना चाहते हो थोड़ा सा? आते आते तो ऐसा लगा था कि आने का मन ही नहीं कर रहा था, आधा दूर में बैठ जाने का मन कर रहा था, बैठ के आधा में ही लौटने का मन कर रहा था, जाऊंगी बोल रही थी घर। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद ऊपर चढ़ने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आने के बाद आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा क्या? तो आप कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से जाने के लिए तो 0 नंबर दूंगी, और आने के लिए 10 में से 10 नंबर।